हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अ ब्लीक स्पॉट मेथडोलॉजी ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स हैज बीन राइटली क्रिटिसाइज्ड। तो जो क्रिटिसिज्म आया है इसके तरीके को इंडियन गवर्नमेंट ने किया है, मिनिस्ट्री ने किया है, तो वो सही किया है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। बट कन्वर्सेशन ऑन वेज टू एड्रेस अंडर न्यूट्रिशन मस्ट गो ऑन। पर ये जो इंडिया में अंडर न्यूट्रिशन का ये इशू है एक, उसके ऊपर कन्वर्सेशन चलती रहनी चाहिए। ये नहीं कि हम सही है भाई, अगर कोई कुछ गलती दिखा रहा है हमें, बोल रहा है 100% गलत, तो हो सकता है हम 90% गलत, हो सकता है हम 50% गलत हो, पर गलत है तभी तो बता रहा है गलत, हो वो एग्जैजरेट करके बता रहा है, तो हमें अपने ऊपर भी ध्यान देते रहना चाहिए। ऑलमोस्ट एवरी ईयर इन अक्टूबर द पब्लिकेशन ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI प्रेसिपिटेट्स एन एग्रेसिव पुशबैक बाय द गवर्नमेंट। दिस ईयर टू द रिपोर्ट हैज रैंक इंडिया 111 अमंग 125 नेशंस, अ फॉल ऑफ 4 प्लेसेस वुमेन फ्रॉम लास्ट ईयर। तो देखिए, पिछले साल मतलब हम लोग 4 प्लेस आगे थे, तो ये हमारे लिए हो जाता है 111 है 125 में से, 4 प्लेसेस और गिर गए, तो इसमें हम लोग पिछली बार देखे तो हो सकता है हम लोग 107 पे रहे, और उससे इस बार ये रहा गया आपका, ठीक है। हैज एलिसिटेड एन एंग्री रिएक्शन फ्रॉम द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट और वुमेन से, यहाँ पर इस मिनिस्ट्री से इसको वापस से क्रिटिसिज्म मिला है। इन व्हाट सीम्स रिइटरेशन ऑफ इट्स रिस्पॉन्स लास्ट ईयर द मिनिस्ट्री हैज सेड 3 of the 4 इंडिकेटर्स यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ द इंडेक्स आर रिलेटेड टू द हेल्थ ऑफ अ चिल्ड्रन एंड कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। तो इसमें से 3 तो बोला जा रहा है ये बच्चों के लिए है, और तुम उससे पूरे पॉपुलेशन को जनरलाइज कर रहे हो, तो वो तो नहीं है। द फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर एस्टिमेट्स द प्रपोर्शन ऑफ द अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन बेस्ड ऑन एन ओपिनियन पोल कंडक्टेड ऑन अ वेरी स्मॉल सैम्पल साइज ऑफ 3,000। हम 125 करोड़ है, 130 करोड़, और तुम 3,000 के सैम्पल साइज में हमें बोल दे रहे हो कि हम खराब है। स्कॉलर्स हैव ऑल्सो आर्ग्यूड दैट द GHI इज पुअरली डिजाइंड मेजर ऑफ हंगर। तो ये पुअरली डिजाइंड मेजर ऑफ हंगर है, ये कौन बोल रहे हैं, स्कॉलर्स भी बोल रहे हैं। सच क्रिटिसिजम्स आर वैलिड बट दे शुड नॉट डाइवर्ट पॉलिसी मेकर्स। जैसा मैंने बोला, क्रिटिसिज्म करो पर पॉलिसी पॉलिसी और अच्छी बनाओ। सच क्रिटिसिजम्स आर वैलिड बट दे शुड नॉट डाइवर्ट पॉलिसी मेकर अटेंशन फ्रॉम द परसिस्टेंट प्रॉब्लम ऑफ पुअर फूड इनटेक। अंडर न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द ब्लीक स्पॉट ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट स्टोरी। द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 मेड इट इनकम्बेंट on the states to provide basic cereals and grains to ensure that the people do not go hungry. Schemes such as Poshan 2.0 seek to address the challenges of malnutrition in children, adolescents, girls, and pregnant women. However, technical glitches, bureaucratic hurdles, social and economic inequalities, and gender discriminations prevented a large number of people from accessing these benefits. तो इन सब चीज़ों के वजह से हम लोग इसके बेनिफिट्स अच्छे से एक्सेस नहीं कर पा रहे, ये बोला जा रहा है। अमंग द ट्रबलिंग स्टैटिस्टिक्स ऑफ द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 इज वन ऑफ द वन दैट रिलेट्स टू चाइल्ड न्यूट्रिशन। इट फाउंड दैट 89% ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन द फॉर्मेटिव एजेस ऑफ 6 and 23 months आर नॉट मंथ्स डू नॉट रिसीव अ मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट। तो उनको मिनिमम जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। मार्जिनली बेटर देन द 90.4% ऑफ रिकॉर्डेड इन NFS 4, ठीक है। द सर्वे ऑल्सो फ्लैग्ड हाई रेट्स ऑफ अनेमिया अक्रॉस लार्ज सेक्शन, चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स, एडोलेसेंस गर्ल, बॉयज, वुमेन बिटवीन 15 to 49 ईयर इंक्लूडिंग प्रेगनेंट वुमेन। तो यहाँ पे आप देखिए, अनेमिया काफ़ी हाई है और यहाँ पे अभी भी चीज़ें खराब सिचुएशन दिख रही हैं। इन रिसेंट ईयर्स स्कॉलर्स हैव डायरेक्टेड अटेंशन टू द लिमिटेशन ऑफ कैलोरी इनटेक सेंटर्ड अप्रोच। दे हैव अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ द एड्रेसिंग विटामिन एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो विटामिन और माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी जो है उसको एड्रेस करेंगे। एंड अलर्टेड पॉलिसी मेकर्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। कन्वर्सेशंस ऑन द न्यूट्रिशन कुड बिकम रिचर विथ मोर ग्रेजुअल डेटा ऑन हाउस होल्ड कंजम्पशन। हाउएवर, कंट्री हैज़ नॉट हैड अ ऑफिशियल एस्टिमेट ऑन पर कैपिटा हाउस होल्ड स्पेंडिंग इन मोर देन 10 ईयर।
The government junked the Consumer Expenditure Survey CES of 2017-2018, and the result of CES 2022-23 are not yet public. तो ये public अभी हुआ नहीं है. The center is right in critiquing of GHI, Global Hunger Index, but that should not diminish the significance of nutrition challenge. As a first step, it must bolster its information repositories. तो मतलब भाई अपने जो तुम्हारा डेटाबेस है, इंफॉर्मेशन रिपोजिटरीज है, उसको तुम पहले बढ़ाओ. अब चलिए देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. जस्ट अ सेकेंड. सबसे पहले हमारे लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है. 2022-23 में हमारा क्या था, 107 थे हम लोग 125 में. 2023-24 में हम कितने हैं, 111 है 125 में, ठीक है. ये क्या बेस्ट तरीका है? नहीं, बेस्ट तरीका नहीं है. क्यों? अब देखिए, इसमें फोर कैटेगरीज हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है. मैंने कल के वीडियो में वो फोरों बताए. आज बताया गया है कि उसमें से जो तीन है वो चिल्ड्रन रिलेटेड है, ठीक है. वो चिल्ड्रन रिलेटेड है. तो जब चिल्ड्रन रिलेटेड है और जो एक है, तो क्या हम सारे बच्चे देश में चिल्ड्रन ही है? पहला क्रिटिसिज्म ये मिला है. दूसरा क्रिटिसिज्म ये मिला है, आप देखिए हम कितने हैं, 130 करोड़ हमारी क्या है, पॉपुलेशन है. और आप देखिए इन्होंने सैंपल साइज क्या लिया है, 3000 पीपल ओनली. अरे 3000 करोड़ भी लेते तो मान लेते, 3000 लोग बस, ये तुम्हारा सैंपल साइज है. तो हम तो इसको मतलब, ये दो इसके क्रिटिसिज्म आ गए. अब देखिए हमारे लिए और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट इसमें स्कॉलर्स ने बोला है, पुअरली डिजाइन मेजर ऑफ हंगर. तो ये तो एक हो गया हमारा क्रिटिसिज्म, ठीक है. और इंडिया में अंडर नरिशमेंट का एक प्रॉब्लम है, तो हमें वो देखना है. अब देखिए पोषण टू एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमें देखना है किसके लिए, चिल्ड्रन के लिए, एडोलेसेंस गर्ल के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, ये चैलेंज जो माल न्यूट्रिशन है. अब ये इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती है पोषण टू जैसे में, आप देखिए ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, टेक्निकल ग्लिचेस, सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इन सारी चीज़ों की वजह से ये चीज़ नहीं हो पाती. जिसको सबसे को बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं होता. ये सर्वे में हमारे जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया था उसमें बताया गया कि चिल्ड्रन जो न्यूट्रिशन है, 89% चिल्ड्रन जो आपके फॉर्मेटिव एजेस में, मतलब 6 से 23 महीने, जो 2 साल के नीचे के बच्चे हैं, उनको मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट नहीं मिलती है. अनेमिया काफ़ी हाई लेवल में हो रहा है बच्चों में जो 6 साल के बिलो है. एडोलेसेंस गर्ल बॉयज और वुमेंस बिटवीन, इतना जो प्रेग्नेंट भी है उनको. तो अमेनिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है. 89% ऑफ जो 2 साल के नीचे के बच्चे हैं उनको खाना ढंग से नहीं मिल रहा है, ठीक है. अब देखिए कैलोरी इनटेक से ज़्यादा हमें दूसरा अप्रोच रखना चाहिए, विटामिन और माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशेंसी, इसी को बोला जाता है हिडन हंगर, ठीक है. सिर्फ रोटी चावल खा लेने से पेट तो भर जाएगा, पर क्या आपकी बॉडी अच्छे से काम करेगी? नहीं. तो यहाँ पे ये हिडन हंगर की बात हो रही है. कन्वर्से ऑन न्यूट्रिशन कुड बिकम रिचर ग्रेजुअल, जब हमारे पास होम कंजम्पशन के डेटा होंगे तो और अच्छे डेटा होंगे. और यहाँ पे एंड में ये बोला गया, भाई सबसे पहले आप लोग क्या करो, अपना रिपोजिटरी जो डेटा इन्फॉर्मेशन का आपका डेटाबेस है उसको आप लोग बढ़ाओ, उसके बाद ही चीज़ें ठीक होंगी. आपको आइडिया लगेगा टोटल कितने लोग क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, क्या खराब कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं. तो पहले अपना डेटाबेस बढ़ाओ, ठीक है. एक ये है डेटाबेस जो है आपका, उसको इंक्रीज करो. ये किसको बोला जा रहा है? गवर्नमेंट को बोला जा रहा है, ठीक है. तो इतनी चीज़ें इस आर्टिकल में हमारे लिए जानने की थी. सो थैंक यू गाइज, एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स. थैंक यू.